विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच चुकी है। भारत इस बार विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ने भारत पहुंचने के 24 घंटे के भीतर एक घटिया हरकत कर दी। इमामुल हक ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वे होटल रूम में चाय पीते नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ इमाम ने लिखा, हैदराबाद चाय और हम। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे साफ तौर पर चाय का कप हाथ में है और साथ में इमाम बाबर दिखाई दे रहे हैं। अब उनके इस पोस्ट पर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भड़कते नजर आ रहे हैं। इमामुल हक ने जो तस्वीर पोस्ट की है उसे भारत के वीर जवान विंग कमांडर अभिनंदन से जोड़कर देखा जा रहा है। इमामुल हक को ये पता होगा कि उनके इस पोस्ट का क्या मतलब है, ऐसे में उन्होंने जानबूझकर इस तरह की बदतमीजी वाला पोस्ट शेयर किया। इमामुल हक ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की वह कहीं से भी ठीक नहीं है। इमाम और बाबर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के बारे में अच्छे से पता है। यही कारण है कि BCCI पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, इंडियन टीम को खेलने नहीं देता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई बार भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए गिड़गिड़ा चुका है, ऐसे में इमाम और बाबर जैसे प्लेयर सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की तंज भरने वाले पोस्ट डाला करेंगे, शेयर करेंगे, तो दोनों के देश जो हैं और रिश्तों में कठोरता तेवर लाने शुरू करेंगे और रिश्ते बिगड़ जाएंगे, मधुरता कभी नहीं बन पाएगी। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत आने के लिए 48 घंटे पहले वीजा मिला था। पाकिस्तानी टीम 7 साल के बाद किसी टूर्नामेंट के लिए भारत पहुंची। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण दशकों से बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जा रही, ऐसे में दोनों टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही ICC या फिर एशिया कप के इवेंट में भाग लेती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेलने की पहल नहीं की, लेकिन BCCI ने हर बार मना कर दिया और अब इस तरह के पोस्ट कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों और फैंस के बीच खटास पैदा करती है।